सुबह अपना नाश्ता करके सिम्बा के लिए बन रहा है बेसन का चीला। उदल छूदल घूमने जा रही है, पता लग गया है। कालू येरी, कालू ने खाया कुछ? मैम आपने कुछ खाया? चलो हेलो एवरीवन, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग आप करो। अच्छा, तुम अपना खाना खा के सिम्बा भी कभी खा लिया करो। मेरे सिम्बा का चीला रेडी हो गया और सिम्बा की आंखें देखो जरा, चार हो रही हैं, चार। ओहो, बैठ गया अपना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। भी सुबह सुबह नाश्ता कर लिया है और यहाँ हमारी कुत्ता कुत्ते का नाश्ता चल रहा है। कालू ने क्या क्या खाया? सिम्बा को देख, सिम्बा को देख जरा। सिम्बा को इसलिए बनवा दी क्योंकि इसको दवाई सुबह देनी पड़ती है ना। किससे? पीलेट, पीलेट मम्मी, पीलेट खा चुके हो भैया तुम? खा चुके हो अपना पूरा मट्ठा भी पी लिया है और ब्रेड भी खा लिया, सब खा लिया तुमने। भाई सिम्बा को तो ब्रेड व्रेड दे नहीं सकते। और पता है जो डॉग वो नहीं कर पाते ना, ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं कर पाते। भाई कालू तो इंडी है तो कुछ भी खिलाती है, डाइजेस्ट कर लेगा। इंडी की ये तो तारीफ है। सिम्बा नहीं कर पाता तो सिम्बा के बहुत ज्यादा स्किन इन्फेक्शन और हाथों पैरों में इसके दूसरे में भी होने लगा था, तो ये मेरे को पता लगा था। पापा के साथ बैठ के कितनी रोटी, एक मम्मी एक रोटी तो पापा खिलाते थे इसे मजे मजे में, तो इसके इन्फेक्शन को बढ़ता ही था। जब से बंद करा है तो अब कम हो रहा है। अब ये ऐसी चीजें खाती है, ये बहुत सोच समझ के खिलाता है। नहीं चीजें कलुआ को भी दे था भैया, वो सिम्बा को वो लग जाएंगी। वैसे सिम्बा हमारी जूजू मामू टाइप की है, जराची में मेरी छोटी सी पापा को नजर भी लग जाती है, पेट भी खराब हो जाता है। खा लो घिया, खा लेगा। सिम्बा तुम नहीं खाओगे? नहीं नहीं, तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। घिया खा लो फिर उल्टी करते फिरेंगे, नहीं मिलेगा तुम्हें तो। भैया अब तो सिम्बा को भैया कुछ भी नहीं दे रहा, मैं हल्की फुल्की चीज ही दे रहा हूँ। जराची में इनकी गैस बन जाती है, इस छोटी सी कुतिया के गैच है, गैच बन जाती है हमारी गैच। देखो सब खा के इन्हें अभी भी चीज खानी है, तो कालू तो फ्री फंड का है, इसे कोई मतलब नहीं था। सिम्बा मेरे से कह रहा है इसे मैंने चीज भी सब खिला दी थी, लेकिन अब कह रहा हूँ मुझे दोबारा दे चीज, इसको आदत है। जैसे हम कुछ चाय भाई पीछे उठते हैं ना तो कहता है मुझे चीज। भाई सिम्बा को देता हूँ मैं ये वाले बिस्किट, ग्लूटेन फ्री हैं ये। अगर आपके डॉग को भी मतलब एलर्जी होती है, स्किन एलर्जीज वगैरह ज्यादा होती है, तो ट्राई करो ग्लूटेन ना देने की, उसी जो है ग्लूटेन फ्री दो तो आपको इफेक्ट दिखेगा। मैं तो सिम्बा को मैंने यही देने चालू कर दिए, खत्म हो गए थे, मैंने और मंगा लिए। ये बॉल हमारे किसी सब्सक्राइबर ने भेजी है इनके लिए, लेकिन पे कुछ नाम नहीं था तो मुझे पता नहीं है। तो आप अगर ये व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज बताओ मुझे या मैसेज करो कि आपने भेजी है। और ये बॉल इनको तो पसंद नहीं आई है, मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें लाइट है। मैं तो खेल ही लूंगा। हाँ ये लोग उठा नहीं पा रहे न सिम्बा, तो जब से कालू कोई चीज खेल तो सिम्बा खेलता ही नहीं क्योंकि काटता है सिम्बा को। कालू दिखाना, कालू दिखा। अच्छा यार चिमा भैया इससे खेलोगे आप? ये बॉल ना ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है और फिर उठ जाएगी। चिमा भैया नहीं खेल रहा क्यों? चिमा भैया ओ खेला खेला, चिमा भैया खेला खेले। पिट्टी करते कालू की, देखते कुछ। अच्छा ज्यादा मत करा रहे सिम्बा को। भाई आप लोग भी बहुत कमेंट करते कालू बदतमीज हो गया, कालू की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चालू करो। भाई स्ट्रिक्ट ही चल रही है, पूरी कोई चल रही है सुधारने की। और हाँ ये जो जिन्होंने बॉल भेजी ना, उन्होंने शायद ये फूड भी उन्होंने ही भेजा है, ये बच्चा पार्टी के लिए फूड है। मैंने यही कल अनबॉक्स करा था, मैंने यही रख दिया। मैं आजकल मिनी व्लॉग बना रहा हूँ ना इसलिए। भाई जिन्हें नहीं पता भाई मिनी व्लॉग आ रहे, तो आप उसको भी देखो, लाइक करो और कमेंट करो, है ना? ये बोलते ना मैम, और धीरे बोल, और धीरे बोल ले। मैं देख रहा हूँ सिम्बा का मन कर रहा, कैमरा ऑन है ना, कैमरा ऑन है इसलिए। सिम्बा ले, सिम्बा ले, ले ले कलुए पे। ओ भाई लड़ाई होगी आज तो। ओ बेटे सिम्बा, भाई कौन सी योगा वाली पोजीशन में बैठ गया? ओए तोड़ दोगे तुम, तोड़ोगे, आज ही टूटेगी बॉल, आज ही टूट जाएगी। गई गई बॉल, गई भैया, लड़ाई होगी आज तो भाई, तो कौन लेगा बॉल? सिम्बा कह रहा मैं लूंगा, कालू कह रहा मैं लूंगा। ओए लच्छा को ये बॉल बहुत पसंद आ गई, इसलिए खेलने नहीं दे रही इन्हें। हाँ अच्छा वाला अलग कमरे में खिलाना पड़ेगा।
अब मुझे ये भी डर लगता है कि एक आलू उल्टी सीधी जगह काटना ले सिम्बा को भाई, काट पाई बड़ी बुरी तरह पूरी फोर्स के साथ। दिखे मैम ने कल कटिंग कराई है, दिखा रहा क्या? जो तू आ रही है तेरे नाम सलमान खान बन, रुक जा रुक जा ना, लो जी लो रुक ना, मैं करूं, अरे मैं कर लूं, इन्हें खुद बताए थे इतने आठी ऐसे नहीं तो मैं नहीं कर रही, मैं बता रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मेरे को क्यों रोक रही है? फिर तो छेड़ रही है, मेरे आंखों भी आ रहे हैं, अंधी थोड़ी ना हो जाएगी, रुक जा पांच मिनट। हाँ आप बनी ना सलमान खान तेरे नाम की, अच्छा डांस बहुत अच्छा करती है। लेकिन कुछ 25 तारीख को इसको अलग ही वो हो गया था, होली पे अलग हो जाता है इसको थोड़ा, या कुछ हो होली वगैरह ऐसी चीज होती है जो अच्छा लगता है, सबके साथ रंग खेलो और एंजॉय करो। कितने बजे उठेगी सुबह? अच्छा कह रही है, मैं सुबह सुबह ई योगा करेगा, रही है योगा नहीं करेगी, ई योगा पता नहीं वो क्या होता है, तो बता रही है कैसे करेगी। अच्छा फिर इसमें और कौन कौन से आसन करोगे आप? करना कैसे करोगे, रामदेव बाबा वाला? अच्छा ऐसे पैर भाई, यहाँ से सारा सामान खाली हो रहा है, हम शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से ऊपर की साइड, हम सारा सामान यहाँ से खाली कर रहे हैं। अरे यार यहाँ पे डीमक लग गई थी ना, तो अब ये पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ का सारा सामान जो है ऊपर जा रहा है, ये कूड़ा सा पड़ा हुआ है, डीमक का ये एक जगह लेगी तो पूरे घर में लग जाती है। सिम्बा तुम क्यों घूम रही हो भाई? कालू जो है गिटार से डर रहा है, तो ये पता नहीं कहाँ है। कालू कहाँ कर ली है, अकेले बैठी हुई है, कहाँ जा रही हो? ये खामा खामा ऊपर जा रही है। जब घर की साफ सफाई होती है तो चीजें निकलती है, ये देखो जैकेट रखी है, और ये देखो ये जैकेट इतनी पतली सी है पन्नी जैसी, और एक निकला ये रेडियो, FM बोलते क्या बोलते, मैम हम इस पे गाने सुना करेंगी, फोन में इनके कमी पड़ जाती है, हेडफोन लगा के भी इसमें गाने सुनेंगी, और हम यहाँ आए तो हमारी कुत्ता कुत्तिन यही मिलेगी। सुमो क्या हो रहा है? ये खा रहा है, ये भी कुछ होगा, ब्लैकबेरी इसके अंदर भाई वॉलेट है। मम्मी ये आप यूज कर सकती हो पता है आपको, ब्लैकबेरी का ही ऐसे फेंक रखा कूड़े में, घर में रखा है तो कूड़ा हो गया। हाँ तो घर में तुझे भी रखा तू भी कूड़ा ही है, ये भी है फिर तो। भैया क्या चाहिए यहाँ से, हट यहाँ से, कालू कुतिया बाहर निकलो, सिंधा कुतिया बाहर निकलो, मतलब टीवी कम पड़ गया इन्हें, अभी FM सुनने सिर्फ अंदर की जा रहा, बाहर निकलो, बाहर आ जा भैया, काम करवा ले उठवा ले, चल। सॉरी मैम मैं बिजी हूँ, मुझे काम करना कुछ। नहीं लग रही है बड़ी तेज, हटा हटा ना, मैं नहीं मैं गिर रही। अरे भैया ग्रैन तो बुढ़ापे की हड्डी है, जुड़ेंगी भी नहीं, तो ले जा फिर बुढ़ापे, जा तो रहा हूं मैं, उनके पेट में रख दो, वो पहले चलती है। सिम भैया लेके जा बैग, ओके चल भाई, सारा सामान हो रहा है यहाँ शिफ्ट किचन में ऊपर वाली, ये देखो ये यहाँ भी आ गई भैया, ये तो छोड़ती नहीं पीछा, जा जा हम जाएंगे वहीं ये दिखेंगे, यहाँ पे सारे शूज आ गए हैं, ये स्लीपर्स को भाई भाई, हाँ उल्ले ये स्लीपर का भाई, मम्मी ये चप्पल कहाँ से आई, कहाँ छुप छुप के शॉपिंग हो जा रही है, कौन सा चप्पल ये, ये कब की रखी है, तो रखी क्यों हुई है, निकाल क्यों नहीं रही है, जब बिट्टू ने कहीं से दिया था ना फिर गई नहीं, सही तो आएंगे घर में पहनने के लिए, मुझे पता ही नहीं है मेरे घर में सामान रखा, बताओ नहीं। अरे भैया तुम दोनों उठो, चलो चल रुको, क्या पागल हो गया, हटो, चलो भाई चप्पल मिल गई, नहीं लड़की वहीं लग रही, लेकिन चल निकल आगे, लड़की नाम से दिखा रहे, दिखा रहे एक बार देख ली, देख देख ले आंखें, देख आंखों से देख और ये गिटार मैंने स्कूल टाइम पे लिया था, ये क्या हुआ था, मैं शायद 6th 7th में था, तो गिटार का हमारे स्कूल में सर आए थे, उन्होंने कहा था गिटार लो, और मैं पापा के पीछे पढ़ा रहा 4-5 दिन बाद पापा ने दिलाया, और काफी महंगा गिटार था उस टाइम पे, ये उस टाइम पे मतलब काफी महंगा था, सबसे अच्छा उनकी दुकान पे ये गिटार था, मतलब सीखने के लिए, वैसे तो गिटार महंगे महंगे थे, जिस दिन मैं गिटार लेके स्कूल गया ना सर ने वो स्कूल ही छोड़ दिया, और तब से ये गिटार ऐसे ही रखा हुआ है, कागजों के अखबार का भी चूहा था भाग रहा है, चुईया तो भाग रहा है, चुईया भाग गई। देखो मेरे रूम में भी क्या हाल हो रहा है, पूरा हमारा घर मतलब फैले ही पड़ा है, सारे कपड़े हमारे नीचे थे, अब यहाँ भी फैला रहा हो ही गया, गाइस नए नए कपड़े निकल रहे हैं हमारे घर से जो छुपे हुए, सिम्बा चेक कर रही है सिम्बा के कपड़े तो नहीं है यहाँ पे, नीचे किचन से बड़ी ये वाली किचन लगती है यार, मम्मी यही कर लो किचन, क्यों दिमाग क्यों खराब है इसमें, सिम्बा को देखो हर जगह आ जा रहा है, कोई मतलब नहीं है इसका आने का, तब भी आ जा रहा है, क्यूटी पाई गई का,
जहाँ जहाँ भैया वहाँ वहाँ उसकी बेटी। ये चिज्जी वाली अलमारी आपकी भैया सेम जैसे नीचे है ना भाई, ये ओपन है तो ये भी सेम वैसी अलमारी है। सिम्बा ओए क्या देख रहा है, वो चिज्जी वाली अलमारी है। हाँ सारी चीजें कहाँ गई, ओए कांगू ले गया। सिम्बा देख रहा है कहाँ गई चीज इसमें से। तो इसके अंदर वो होता ना फेविकोल सा, हाँ उससे देखो इनकी हालत हो गई। भैया जरा सी खुशबू आ जाए ये ऐसे करती हैं। सुंदर देखो कितनी लग रही है करते हुए। भाई ये वाला एसी जब हम यहाँ सोते थे तब ठंडा नहीं करता था और अब इतना चिल्ड कमरा कर रहा है। दिक्कत ये आती थी कि सिम्बा के बाल वाल इसके अंदर जाते थे तो इसकी सांस में लेने में दिक्कत आती थी, है ना मम्मी। बेचारा ऐसा हो जाता बिल्कुल मरियल सा। हो कगली सिम्बा इधर उधर कर दे। ओ चढ़ गया सच्चू चढ़ गया। तू नहीं पंगे ली मम्मी, इसने पंगे लिए सिम्बा ने कुछ नहीं करा है। चीप चढ़ाई जा रही थी उसे, उसको आ गया फिर वो अपनी फॉर्म में। बताइए एक बार वो आ जाए अपनी फॉर्म में तो कोई नहीं रोक सकता उसे। सिम्बा पिटने वाला अब तो। नीचे दे 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 दे। जैसे सिम्बा को बेवकूफ बनाया जा रहा है लेकिन वो बन नहीं रहा है। क्या क्या पेंटिंग कोई पड़ोसी को पूछ लो, कोई तो ऐसे बोलते। सिम्बा गंदी बात कर रहा है। सिम्बा को धक्का देके बेड से उतारा गया। ओए चोट चोट नहीं करनी बिल्कुल भी, कितनी देर में खाली करोगे कमरा मेरा। यहाँ आके बैठ गए सारे के सारे। ये किसकी है? पर मेरे को नहीं पता यार, ध्यान नहीं गजनी बन गया उस टाइम। नहा लूं यार मैं, नहाया नहीं अभी तक। अभी क्या नहीं है, बहुत कम पहनी है। सिम्बा जो कितनी सुंदर सुंदर बहू बनी है। मम्मी बहू देख लो हमारी, सुंदर बंदर बच्ची देखो भाई। बिंदी वाला लगा था बस इनके, फिर तो इनसे सुंदर कोई है ही नहीं इस दुनिया में, है ना। तू छिल रही कुछ तो, और कुछ तो कर रही मेरे साथ। सुंदर बंदर बन के बैठो। ये डॉगी पता नहीं कहाँ से आ गया है, इसके ऊपर ये सब भौंके जा रहे हैं। चुंचा आ जा, चुंचा रुई आओ आओ। ये पता नहीं किसका डॉगी है, कहाँ से आया है, सुबह सुबह आ गया है यहाँ पे। आ जा लो, आओ 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 आओ। सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गया हूँ, ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि आज हमें जाना है पूजा कराने मंदिर। तो मम्मी पापा मैं जा रहे हैं पास वाले मंदिर में ही जा रहे हैं, तो बस निकल रहे हैं जल्दी से। सिम्बा को पता लग गया कि भाई मैं जा रहा हूँ तो उसको लग रहा है कि वो भी चल रहा है, उसको तो बस यही की मीटिंग दोनों रहती दोनों। वो देखो वो देखो लीश निकल रही है। चामी नहीं जा रही, चामी नहीं जाएगी आज, आज नहीं जा रही चामी। पूरा पूरा यहीं बैठ के, और वो जो डॉगी आया था उसको मतलब बाहर निकाल दिया, बच्चा पार्टी वगैरह सब उसको मार रहे थे, चढ़ रहे थे उसके ऊपर, तो डर के बैठा हुआ था। बाकी वो चला गया था, वो किसी का यहीं आसपास कहीं का होगा, मुझे ऐसा लग रहा था भाई उसको छोड़ के तो चला गया। बुरी को खाना देंगे अभी, ठीक है बोल देता हूँ मैं। ओके मैम वहाँ डिप्रेशन में बैठी क्योंकि मैम को आज थोड़ा जल्दी उठना पड़ा है। यहाँ देखो हल्की हल्की बारिश आ रही है, दिख नहीं रही कैम अब दिखी। कालू हम ना जा रहे हैं मंदिर, ठीक है भगवान जी के पास, मतलब भगवान जी के पास नहीं भगवान जी के पास से जा रहे हैं, भगवान मतलब मंदिर वाले भगवान जी के ऊपर वाले नहीं। चिम्मा नहीं जा रहे आप, बताएंगे आप कि हम कौन सी पूजा करने जा रहे हैं। शिव जी पे ये नाग जो चढ़ता है वो चढ़ाने जा रहे हैं, जो ऐसे करके पिंडी पे होता नहीं ऐसे। सिम्बा सुन लिया, हम मंदिर ही जा रहे हैं कहीं नहीं जा रहे घूमने। तो ये कहाँ जा रहा है भैया, इसने पता मम्मी सुबह उठाने, मम्मी ने बोला तू जल्दी नहा ले। सिम्बा तो पागल सिम्बा ही कहाँ जा रहा है ये। तब से मेरे पीछे ऐसे ही घूमा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये भी कहीं जा रहा है। इसे पता है इस टाइम डॉक्टर के भी ले जाओ, ये भी डर नहीं कि डॉक्टर के जा रहे हैं, चलो लेकिन गाड़ी से चलो जहाँ भी चल रहे हो। बिल्कुल नहीं मान रहा है, ऐसा लग रहा है सच्ची में जा रहा है। ये देखो नहीं आप नहीं जा रहे, भैया मंदिर निकल लिए हैं और हम देख रहे हैं कि बच्चा पार्टी ना आ जाए हमारे पीछे पीछे, वरना ये मंदिर में ही आएंगे। सारे गायब हैं इस टाइम, बूढ़ी तो बंद है, दो बच्चे बंद हैं, बाकी गायब हैं, वरना इधर ही मिलते। यहाँ देखो मंदिर के बाहर में मिल गए लाल, इसने पहचाना नहीं मुझे अभी, गाड़ी में नहीं आया ना मैं। भैया भैया
अब शाम को मिलेंगे, हम शाम को मिलेंगे, बाय। लाल भाई, लाल ने मेरी पूरी टी शर्ट गंदी कर दी, कह रहा है मेरे को जो चढ़े जा रहा है मेरे को। हम घर जा रहे हैं, शाम को मिलेंगे। कहा नहीं लाया मैं बाबू, दे तो दी तुम्हें एक बार, फिर दे दी हमने। लाल देखो यहाँ तक आ गए घर के पास, अब होंगी लड़ाइयाँ। चुन चुन तो बंद है, मेन इंसान बंद है। यहाँ रेडी हो चुका हूँ और हम जा रहे हैं, मतलब मैं पापा जा रहे हैं कार लेने, और मैम जो है वो यहाँ पे थोड़ी तबीयत खराब है, मैम की पता नहीं क्यों इतनी तबीयत खराब रहने लगी है। मैं सोच रहा सिम्बा भी चल रहा है। बाबू हम न्यू कार लेने जा रहे, ठीक है आपको आके घूमी घूमी उसमें पक्का कराएंगे, चीमा घूमी घूमी पक्का। जैसे ही फोन बजा मम्मी का कि आ जा, तो ये भाई साहब जी सो रहे थे लेकिन फिर उठ गए हैं, ये ड्यूटी पाई गई है। तो जी हम ब्लॉग कर रहे हैं यहीं पे एंड ये वाला, और कार जो होगी वो आपको अगले ब्लॉग में पता लगेगी। तो ब्लॉगर पर तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है सिम्बा। What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this